हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे इनेबल करेंगे। तो अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना चाहते हो तो आप किस तरीके से इनेबल कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा। बहुत ही इजी स्टेप है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। गाइस देखो, टू स्टेप वेरिफिकेशन एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। यहाँ पे जो ना, आप अपने चैनल पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गाइस, अगर आप इसे यहाँ पे इनेबल कर देते हैं तो आपका चैनल हैक नहीं होगा। और आप जो है ना, टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर इनेबल नहीं करेंगे तो आपको क्या आगे प्रॉब्लम होगा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा मोनेटाइजेशन में। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा कर लेते हैं, आपके यूट्यूब चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं है और आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल नहीं किया, तो गाइस आप अपने चैनल को रिव्यू में नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना है। तो किस तरीके से इनेबल करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है माई गूगल अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसा ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है ऊपर साइड में, और डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे, फिर आपको ऊपर यहाँ पर ब्लू कलर से लिखा हुआ मिलेगा, आप लोग ऊपर देख सकते हो स्क्रीन पर। जैसे ही आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे सामने एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पर आपका गूगल अकाउंट देखने को मिलेगा, और आपको ऊपर साइड में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर चले जाना है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए गाइस, मेरे सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है आपको। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर ऑफ है अभी, और मैं आपको इसे ऑन करके दिखाऊंगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है टू स्टेप वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे पासवर्ड को इंटर करना है। जैसे ही आप पासवर्ड इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फाइनली देखो, मैंने पासवर्ड को इंटर किया और मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ पर गाइज आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो गाइज आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर एक यहाँ पे OTP भेजा जाएगा। तो उस OTP को आपको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है इसे। तो देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर बैक आना है। ऊपर साइड में आपको देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन के साइड में आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, बैक आ जाना है। तो मैं बैक आता हूँ। अब गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से आप वापस आ जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितनी इजीली तरीके से मैंने आपको बताया, कुछ इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हो। और मैं आपको प्रूफ के लिए यूट्यूब स्टूडियो में चल के दिखा देता हूँ। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ यूट्यूब स्टूडियो में। यहाँ पर मैं मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर प्रूफ के साथ। आप लोग देख सकते हो गाइस, टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव यहाँ पे लिख करके आ चुका है। तो फाइनली आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने फ़ोन में टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिव कर सकते हो। गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, एंड इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।